उत्तराखंड की ऐतमादपुर तहसील में पिछले कई दिनों से किसानों के खेत में नहर के पानी की समस्या बनी हुई थी। इसको लेकर क्षेत्रीय विधायक राम प्रताप सिंह चौहान ने सैपू रजवा नहर का मुआयना किया और जल्द से जल्द किसानों के खेत में पानी पहुंचाने की बात कही। तो वहीं सैपू रजवा नहर में पानी शुरू हो गया है और ये कई दिनों तक चलेगा। इसको लेकर क्षेत्रीय विधायक राम प्रताप सिंह चौहान ने खबर एक्सपर्ट से खास बातचीत की है। आपको पानी बम्मा में बहता दिख रहा है, जिसकी किसानों को बहुत दिन से मांग थी। किसान परेशान थे, कोरोना काल से ही किसान परेशान है। कोरोना के कारण किसान का हाल बेहाल हो गया था, ऐसे में प्रकृति की मार और पानी अच्छी तरह बरसा नहीं। इसके बाद एतमादपुर क्षेत्र में इधर कुछ किसान बम्मा पर ही निर्भर थे, जिनकी वो भी आज टूट गई थी। बम्मा में पानी नहीं था। जब किसानों की आवाज, किसानों का दर्द एतमादपुर विधायक राम प्रताप सिंह चौहान के कानों में पड़ा तो वो तुरंत इसके लिए खड़े हो गए और उनके प्रयास से आज बम्बा रजवा है सभी में पानी बह रहा है, जिससे किसान बहुत ही खुश है तथा विधायक जी का हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। आज इस पड़ताल के लिए हमारी टीम व विधायक एतमादपुर राम प्रताप सिंह चौहान भी आए हैं कि बम्बा में पानी आया या नहीं आया। बात करते हैं, विपक्ष भी इस पर खेल खेल रहा है। विपक्ष का कहना है कि हमारा प्रयास है पानी का। विधायक जी का कहना है कि प्रयास बीजेपी का है, बीजेपी की सत्ता है जो भी सुविधा किसानों को दे रही है, चाहे वो पीएम आवास हो या अन्य सुविधाएं हो, वो प्रधानमंत्री मोदी व सीएम योगी का ये सब प्रयास है। तो आज हमारे साथ विधायक राम प्रताप सिंह चौहान है, बात करते हैं इनसे इस बम्बा के बारे में जो किसानों को आज पानी मिला है और खुश हैं। ये बम्बा में पानी दिखाई दे रहा है, देखिए। हाँ देखिए, इससे पहले बरहन वाला रजवा चला और समाचार पत्रों में वो छपा भी, 29-30 तारीख के समाचार पत्रों में छपा कि बरहन पे पानी आया, लगातार 8-10 दिन वहाँ पानी चला। उसके बाद ये सैपू रजवा, मैंने पहले ही कहा था कि हम शुक्र को सैपू से इसको सैपू रजवे को चालू कराएंगे, और मैं स्वयं गया वहाँ पर। इंजीनियर्स जो हैं, चाहे वो एक्सियन हों, चाहे वो SDO हों, चाहे JE हों, चाहे सीचपाल हों, और इनके जो कर्मचारी हों, उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद, क्योंकि इस बार पानी कम था, आपने खुद कहा कि प्रकृति की मार है, वर्षा भी नहीं हुई थी, लेकिन इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके और जो मुझसे वादा किया था उसको पूरा किया। तो शुक्र को हुआ, हमने कहा था कि 2-3 सोमवार मंगल से पानी आ जाएगा। सोमवार को पानी हमारे क्षेत्र में आ गया था और आज मंगल को हम लोग खड़े हैं। आज मंगल में काफ़ी आगे तक चला गया, कल भी मैं गया था खाड़े पर तो वहाँ पानी पर्याप्त था। तो ये पानी आया है और ये लगातार चलेगा। एक दिक्कत क्या थी कि यहाँ पिछली सरकारों ने, पिछले लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है और एक बड़ी परियोजना की आवश्यकता थी। 14,33,00,000 रुपए से एक परियोजना बनी है, उस पर सहमति बनी है। माननीय मंत्री जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, इसको मैं स्वीकृत कर रहा हूँ और वो परियोजना बन जाएगी। उसके बाद जब काम होगा तो मुझे लगता है 5-7 साल तक 8 साल तक कोई पानी की दिक्कत नहीं रहेगी, किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। हुआ क्या है, जो मेन ब्रांच है वो छोटी सी रह गई है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और अब हमारी सरकार ने, और मैं आदरणीय महेंद्र सिंह जी जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, सिंचाई उन्हीं के उसमें आता है, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी जो मांग थी उसको स्वीकार किया। और ये इंजीनियर्स भी लग के इन्होंने बड़ा प्रयास करके रात रात तक इन्होंने यहाँ चिंता की है और पानी को लाए हैं। अभी लगातार मैंने कहा है कि 8-10 दिन तक ये पानी चलना चाहिए तो किसानों को, उसके बाद ये कुछ सफाई और ये होगी। अभी भी हम लोगों ने पहले ही सफाई कराई, सारे ही ब्रांचों पे, सब पे सफाई कराई, सबरे रजवाओं पे सफाई कराई है, तो उसके बाद ये पानी आया है। हाँ, ये आदत मेरी ड्रामा करने की नहीं है कि नहर पे बैठ के खाना खा लूँ या इस टाइप से करूँ, ये मेरी आदत नहीं है। जो कहता हूँ वो करता हूँ, जितना कहता हूँ उतना मैं करता हूँ। ऐसा नहीं कि केवल कोरे कोरे बातें करूँ, और मैंने विश्वास दिलाया था कि इस दिन आएगा, इस दिन पानी आ गया, आपने देखा है। भाई साहब, इस पर एक बात करना चाहूँगा, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, आप सत्ता विधायक हो, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये विपक्ष के प्रयास से ही बम्मा में पानी आया है। क्या बीजेपी पर विपक्ष इतना भारी पड़ रहा है कि विपक्ष के विधायक से न पानी आकर के विपक्ष के विधायक पानी ला रहे, जो लोग अपना वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सीचपाल तो उनकी सुन नहीं रहे। अब मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब आपने चर्चा की तो बताना चाहता हूँ। पहले साहब बैठे 5 पूर्व विधायक धरने पे बैठेंगे, अनिश्चितकाल बैठेंगे, जब तक 20 घंटे लाइट नहीं होगी तब तक नहीं उठेंगे, पानी नहरों पे नहीं आ जाएगा, बम्बों में नहीं उठेंगे, 2 घंटे बाद धरना समाप्त।
उसके बाद फिर यहाँ बैठते हैं। जब तक पानी नहीं आएगा तब तक नहीं उठेंगे, और पहले दिन से ही प्रयास शुरू हो गया अधिकारियों से कि मुझे उठाओ, और उसके बाद दो दिन बाद यहाँ से उठ के चले गए। पानी तो आया नहीं था। अरे आप जो कहते हो, राम प्रताप सिंह जो कहता है तो वो पूरा करूँगा, लेकिन ये नहीं कि कोरी बातें। अरे आपने कहा था कि पानी आएगा तब तक मैं बैठूंगा, जब तक पानी, क्यों उठ गए साहब आप, बैठे रहते। कोरी कोरी बातें हैं, अब कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन मैं, आप आमलखेड़ा चले जाइए, आप पता करिए कहाँ के लोगों को लाया गया, किनको यहाँ बिठाया गया। उसमें अनेकों लोग ऐसे भी थे जिनको मनरेगा की मजदूरी के नाम पर और तमाम प्रलोभन देके बिठाया गया। लेकिन लेकिन हम लोग उस तरह की राजनीति नहीं करते। वो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और विधायक रहे हैं यहाँ से, तो ऐसी बातें नहीं करें। अब कौन पूछ रहा है आपको, कौन सुनना है आपकी सत्ता भारतीय जनता पार्टी की। विकास होगा चाहे सांसद कराए, चाहे विधायक कराए, चाहे जिला पंचायत कराए, चाहे ब्लॉक से हो, चाहे नगर पालिका में हो सकता समाजवादी पार्टी का चेयरमैन होगा, लेकिन पैसा तो प्रदेश सरकार का ही होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितना विकास हुआ है उतना विकास नहीं कभी हुआ। और मैं अब कह रहा हूँ कि ये जो दिक्कतें थी इसको आगामी वर्ष से आपको यहाँ के किसान कोई दिक्कत नहीं होगी। 5-7-8 साल तक वो परियोजना बार बार बनानी पड़ती है, तो उसको उसके बाद यहाँ आसानी से पानी आता रहे। अभी भाई साहब आपने कहा था कि किसानों को अब 6-7 साल तक कोई परेशानी नहीं होगी, क्या इनकी बम्बा आने की स्थायी व्यवस्था होगी, पानी चलता रहेगा? वही तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने बताया ना कि मेन ब्रांच एक छोटी सी रह गई है, ये तब भी चौड़ी, इससे भी कम हो गई है। वहाँ की कभी सफाई नहीं हुई, कभी कोई कार्य नहीं हुआ, अब वो सारी व्यवस्था हो रही है। 14.33 मैं आपको वो दे भी दूंगा, 14,33,00,000 की वो लागत से काम होने वाला है। माननीय मंत्री जी से मैंने स्वयं बात करी थी और माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया, और मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, मैं ये इंजीनियर्स खड़े इनको पता है, इनके सबके प्रतिकूल रिपोर्ट गई थी और सस्पेंशन भी होता, लेकिन हमने ही कहा मंत्री जी को कि नहीं नहीं ऐसा ना करिए, कि अगर ये पानी लाते हैं तो पानी लाए हैं, अब इन्होंने काम किया है, इनकी भी जानकारी में होगा, क्योंकि मैं भी बहुत सख्त था और मंत्री जी भी बहुत सख्त थे कि एक दिक्कत तो है कि हम लोग टेल पे बैठे हुए हैं, सबसे आखिर में हम लोग बैठे हैं, जगह जगह लोग किसान भाई काट देते हैं, आवश्यकता है मतलब बार बार कटती है, बार बार चाहे लंगेटा वाला हो, 5 बार वहाँ की नहर काटी गई, तो बार बार ये दिक्कतें आती हैं, लेकिन आवश्यकता सब। अच्छा, सरकार का लक्ष्य है कि किसान को बम्बा में हेड टू टेल पानी मिले, तो आपके प्रयास से कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र के किसानों को इसका सुविधा? नहीं नहीं, पूरे क्षेत्र में जाएगा, देखिए टेल तक जाएगा, चाहे वो पीपरिया हो चाहे कहीं हो, वो पूरे क्षेत्र में जाएगा। मैं जानता हूँ कि पानी की दिक्कत बहुत है, सिंचाई के लिए भी है, अपने क्षेत्र में खारा पानी पेयजल के लिए भी है, तो सिंचाई के साथ हमने पेयजल की व्यवस्था करी है। बरेन की परियोजना लगभग 50-60% पूरी हो गई है, अभी 2 ओवर टैंक और बन रहे हैं, उन पर भी काम चल रहा है। और आप जहाँ अहमदपुर के बगल में पीपरिया है, पीपरिया पर जाइए, लगभग काम पूरा हो गया है, और जहाँ पशु भी पानी नहीं पिया करते थे वहाँ आपको आरओ का अच्छा पानी मिलेगा। बड़ा वाटर का मैंने KTM लगाया है, बड़ा उसमें वो है। नहीं नहीं, सभी जगह नहर, हर जगह पानी पहुँचेगा, कोई स्थान ऐसा नहीं रहेगा जब पानी पहुँचा। होता क्या है, इधर खुल जाएगा तो इधर का पानी का प्रेशर कम होता है। तो हमने अभी यहाँ जो विभाग के लोग हैं उनसे कहा है कि एक इधर चलाओ फिर इधर चलाओ, सब जगह चलाओ, हर स्थान पर पानी पहुँचे, लोगों को पानी मिले। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सकारात्मक राजनीति करें, हम कभी टिप्पणी नहीं करते, आपने पूछा इसलिए आज मैंने बोल दिया, मैं कभी टिप्पणी नहीं करता किसी पे, लेकिन श्रेय लेने की होड़ बात ठीक है, श्रेय लीजिए कुछ करिए, लेकिन सत्यता लोग भी जानते हैं, और सबसे बड़ा तो वो ईश्वर बैठा है, वो जानता है कि सत्य क्या है। तो मैं आज सत्य के साथ हूँ, और ये केवल पानी की समस्या नहीं, और भी तमाम तारीख की बातें हैं, उसकी भी अगर आप चाहेंगे तो मैं चर्चा कर सकता हूँ, मैं हमेशा सत्य के साथ हूँ और सत्य के साथ रहूँगा। तो ये सुना है अकबरपुर विधायक राम प्रताप सिंह चौहान का, जिनका ईश्वर का भरोसा और अपने कर्म की मेहनत पर भरोसा। उन्होंने अब विपक्ष को भी बातों बातों में एक चेतावनी दे दी कि वो कार्य करें, श्रेय के लिए न दौड़े केवल। ये मेरा प्रयास है, BJP का प्रयास है कि आज बम्बों में पानी आया है। जो विपक्ष के लोग धरना देकर यहाँ पर दिखावा कर रहे थे, उन केवल श्रेय लेने के लिए उनका ये धरना था,
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। मैं डॉक्टर रमेश सोलंकी, खबर एक्सपर्ट एतमाद पर।